हेलो दोस्तों, माई डिश माई तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी और टमाटर की सब्जी। ये देखिए, एक पाव ककड़ी ली हमने जिसको बारीक काट लिया है, और एक पाव टमाटर जिनको छोटे हिस्सों में काट लिया है। और इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। दो प्याज जिनको काट लिया, और हरा धनिया है, और ये देखिए थोड़ा एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, और ये देखिए 8-10 कलियां लहसुन की, और 1 इंच अदरक की हमने ग्राइंड कर ली है। इसके लिए हम ये देखिए तड़के के लिए जीरा लिया है, और ये देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और 1 चम्मच तेल का, और ये देखिए हरी मिर्च जिनको बारीक काट लिया है, और थोड़ा पानी काम में लेंगे। ये देखिए गैस ऑन कर दिया है, और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, और इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, इसके बाद लहसुन और प्याज, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए इनको हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज है जो हल्का भूरा होने लगा है, इसके बाद में हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए इन सबको अच्छे से मिला देंगे। 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों मसाला है जो पकने लगा है। अब इसमें टमाटर डालेंगे, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मसाले में जो टमाटर हैं जो अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें ककड़ी डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी होती है, इसे अवश्य खाना चाहिए। ये देखिए 2-4 मिनट के लिए इसको ढकेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, और गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे। ये देखिए गैस को हटा के देखेंगे, बहुत ही अच्छी सब्जी, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी सब्जी बनी है ककड़ी और टमाटर की। अब इसमें गर्म मसाला डालेंगे, देखिए जिससे बहुत ही स्वाद और अलग हो जाता है। इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, ये देखिए इससे और भी टेस्ट अलग से हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ककड़ी और टमाटर की सब्जी पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिल सके। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।